मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। यहाँ सहज ही सवाल उठ सकता है कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका कारण। वहाँ भी यह सवाल उठ सकता है कि हर महीने गणेश चतुर्थी होती है, लेकिन इस भादो मास की चतुर्थी में ऐसी क्या खास बात है। माना जाता है कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इससे जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। माना जाता है एक बार शिवजी भगवान कहीं गए होते हुए होते हैं। देवी पार्वती तभी ही नहाने जा रही होती हैं, तो स्नान गृह की रक्षा के लिए उनके शरीर पर चंदन लेप से उन्होंने एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में प्राण डाल दिए और उस बालक से कहा कि जाओ, जो भी आए तो उसे अंदर मत आने देना। तो माता स्नान करने चली गई। तभी वहीं पर शंकर भगवान आ गए और शंकर भगवान अंदर जाने लगे, तो गणेश ने शंकर भगवान को रोक दिया। शंकर भगवान ने गणेश से अंदर जाने की बात कही, गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तो शिवजी भगवान जी के बीच और गणेश जी के बीच संग्राम छिड़ गया। गणेश जी तो स्वयं भी शक्ति के अंश थे, वह गणेश जी शिवजी के हर प्रयास को निष्फल करते जा रहे थे। तो भगवान श्री शंकर ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती ने जब गणेश को इस अवस्था में देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया। इसके बाद सारे देवी देवता घबरा गए। तो शंकर भगवान ने गणेश में फिर से जान डालने का बात कही। गणेश जी के मृत्य धड़ में हाथी का सर जोड़ दिया और फिर से प्राण डाल दिए। इसी तरह गजानन का जन्म हुआ।